কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও করে লে থসরে টেনশন আরে কাও করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी टॉप एमसीक्यू सीरीज टारगेट ऑन प्रीलिम्स के तहत हम भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में हमने मुगल काल को जान लिया है और मुगल काल को हमने एमसीक्यू के माध्यम से, जो हमारा तरीका है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो सिलेबस है उसे भी पढ़ाना या संपूर्ण सिलेबस करवाने का हमारा जो मकसद है उसके अनुसार हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं और सिलेबस को भी देखते चल रहे हैं, जिसमें हमने मुगल काल को देख लिया है। अगर मुगल काल की अगर हम बात करें तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर तक हमने चीजों को पिछली क्लास में डिस्कस किया था और आज मैंने कहा था कि हम मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत की विषय को स्टार्ट करेंगे और आधुनिक भारत के विषय को स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले जानेंगे यूरोपियों के आगमन के बारे में। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा यूरोपियों का आगमन। ठीक है, तो यूरोपीय क्यों आए, कैसे आए, इन सब चीजों को बारीकियों को समझते हुए हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वह है एडवेंट ऑफ यूरोपियन या यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन, ठीक, या हम कहेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, क्लियर है, यह हमारा विषय रहेगा। ठीक, तो यहां पर याद रखेंगे हम ब्रिटिशर्स का आगमन नहीं कर रहे हैं, अंग्रेज अलग है, अंग्रेज अलग है। यूरोपियों की अगर मैं बात कर दे रहा हूं तो यानी यूरोप में रहने वाले सभी लोगों की यहां पर चर्चा मैं कर रहा हूं कि यूरोप में जो रहते हैं सभी को मैं यूरोपीय कह रहा हूं। ठीक, इसमें अगर हम देखें जो यूरोपीय भारत में आए और जिस क्रम में आए वही आपका सबसे पहला प्रश्न बन जाता है कि कौन से यूरोपीय सबसे पहले भारत में आए थे। ठीक है, व्यापार करने की दृष्टि से, ठीक है, व्यापार करने की दृष्टि से सबसे पहले आए, तो सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे वह थे पुर्तगाली। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली। दूसरे की अगर बात करूं तो दूसरे आने वाले थे डच, ठीक, पुर्तगाल, पुर्तगाली, पुर्तगीज, ठीक, इसके बाद डच, फिर तीसरे नंबर पर आए थे ब्रिटिशर्स या अंग्रेज, अंग्रेज या ब्रिटिशर्स, इसके बाद हमें दिखेंगे चौथे क्रम पर डेनिश, डेनिश, और अंतिम आने वाले भारत में वह थे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, क्लियर है। तो आज जो हमारा विषय रहेगा वो हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, पुर्तगालियों के बारे में, डच के बारे में, अंग्रेज के बारे में, डेनिस के बारे में और फ्रांसीसियों के बारे में, कि इनका आगमन भारत में कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ और क्या घटनाक्रम हमें यहां पर देखने मिलेंगे। साथ ही साथ इनसे संबंधित प्रश्नों को भी हम हल करते चलेंगे ताकि विषय की एक जानकारी आपको होती रहे और विषय के साथ साथ आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें। क्योंकि हमने जो इस बार जो तरीका अपनाया है टारगेट ऑन प्रीलिम्स एमसीक्यू माध्यम का, उस माध्यम से ही हम आपको संपूर्ण सिलेबस कराएंगे और आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी कराएंगे और जो तैयारी होगी उसके बाद जो आपको सफलता मिलेगी उससे बड़ी खुशी हमारी और कुछ नहीं होगी। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप एग्जाम में सफल हो, यह भी हमारा एक उद्देश्य है। ठीक, चलिए, तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि यूरोपियों के आगमन की,
यूरोपियों के आगमन की। तो यूरोपियों के आगमन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यूरोपीय भारत में आएंगे क्यों, और यूरोपियों में सबसे पहली अगर मैं बात कर रहा हूं पुर्तगाली ही क्यों भारत में ये क्यों आए, तो यूरोपियों के आगमन के बहुत सारे कारण निकाले जाते हैं, बहुत सारे कारण, ठीक। जिसमें अगर हम सबसे महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखें तो उस समय की कुछ घटनाक्रम है, उस समय के कुछ ऐसे घटनाक्रम बने जिसके कारण यूरोपियों को स्वयं आना पड़ा, जिसमें पुर्तगाली सबसे पहले आए। तो क्या घटनाक्रम था उसे हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक। तो एक रफ मैप हम लोग बना लेते हैं, रफ मैप के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक। क्लियर है? चलिए, लगभग में सभी छात्रों को यह अंदाजा लग गया होगा कि मैंने एक वर्ल्ड मैप बनाया है, ठीक है। लगभग में भी अप्रॉक्स में आपको समझ में आ गया ना कि ये वर्ल्ड मैप है और कौन कौन सा इसमें कंट्री है, देश है, वो भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा, ठीक। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, 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 ठीक। ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका एशिया, और यह है हमारा प्यारा भारत जिसे हम अब इंडिया नहीं कहेंगे। समझ गए होंगे बहुत सारे छात्र, भारत को हम इंडिया नहीं कहेंगे, भारत को हम अब भारत ही कहेंगे। परंतु अभी जब तक हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत को तो हम जानेंगे कि उस समय इंडिया और भारत दोनों कहे जाते थे इतिहास में, परंतु अभी कुछ समय में कहा जा रहा है कि अब इंडिया नहीं कहा जाएगा, भारत ही कहा जाएगा, ये नाम कुछ ऐसा बदलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि होता क्या है और क्यों यूरोपियों में पुर्तगालियों को यहां पर आना पड़ता है, ठीक है। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें भारत से, भारत से यूरोप की तरफ, भारत से यूरोप की तरफ व्यापार हुआ करते थे, ट्रेड हुआ करते थे, और ट्रेड करने वाले होते थे अरब व्यापारी। ट्रेड करने वाले कौन होते थे? अरब व्यापारी होते थे, अरब व्यापारी होते थे। अरब व्यापारियों के द्वारा भारत से सामान ले जाकर यूरोप में महंगे दामों पर बेचा जाता था और अच्छी खासी इनकी आमदनी हुआ करती थी। किनकी? अरबों की, अरबों की, ठीक। अरब ट्रेडर्स जो अपना बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो भारत से ले जाकर वो यूरोप में बेचा करते थे उसमें था मसाले, स्पाइसेस। और इन मसालों की डिमांड यूरोप में क्यों थी, यह भी आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। तो मसालों की डिमांड इसलिए हुआ करती थी कि यूरोप जो है ठंडे प्रदेशों से आता है, ठंडा क्षेत्र है, और ठंडा क्षेत्र होने के कारण वहां पर खाने पीने की चीजें जो हैं सर्दी ऋतु में, कोल्ड टाइम में, हमेशा वहां पर बर्फ जमी होती है और बर्फीले क्षेत्र में कोई उत्पादन नहीं होता। इसी कारण से यूरोप के लोगों में एक हैबिट थी, आदत थी कि उनके द्वारा गर्मी के समय में जो मांस या मीट होता था उसे ये प्रिजर्व करके रखते थे, संरक्षित करके रखते थे, और मसालों में लपेट के ये रख दिया करते थे ताकि ठंडी के समय में जब इनके पास खाने पीने की चीजों की कमी हो जाए तब ये उन्हीं मसालों का प्रयोग कर सके। क्लियर है? समझ में आ रही है? इसके अलावा मसालों को देखेंगे तो पहले के समय में, पहले के समय में लाशों को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। लाशों को, बॉडी जब खराब ना हो जाए, सड़ गल ना जाए, इसके लिए भी मसालों का यूज किया जाता था, ठीक है। ऐसे कुछ यूज हमको देखने मिलते हैं जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो खाने पीने के लिए इनका
यूज किया जाता था अपने खाने पीने की वस्तुओं को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए मसालों का प्रयोग करते थे। अब इन्हीं मसालों को ये अरब व्यापारी क्या करते थे, यूरोप में ले जाकर बेचा करते थे बहुत ही महंगे और ऊंचे दामों पर। धीरे धीरे यह हुआ कि व्यापार में अरबों का एक प्रभुत्व बनने लगा, ठीक, बहुत अच्छा इनका बिजनेस चलने लगा, जिसके पश्चात यूरोप के लोगों को लगा कि अगर हम स्वयं जाकर यह व्यापार कर लें, यह बिजनेस अगर हम खुद ही करें, यह व्यापार अगर हम खुद करें, तो ये जो हम यहां पर महंगे, मान लो 10 रुपए की चीज को 100 रुपए दे रहे हैं, महंगी चीज को हम लोग खरीद रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो व्यापार करने के लिए उस समय पुर्तगाल के लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं या यूरोप के लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं, उसका भी यह कारण निकलता है कि यूरोप में उस समय पुनर्जागरण का काल चल रहा था। पुनर्जागरण का अर्थ वहां पर जो मॉडर्नाइजेशन का युग चला, आधुनिकरण चला, उस आधुनिकरण के युग में इनके पास जहाज आ गए, जहाज, बड़े बड़े जहाज सिप बनाने लगे। सिप के साथ साथ वहां के लोगों के पास बहुत पैसा आने लगा, और पैसा आने के बाद इंसान जो है हर उस चीज को खरीदना चाहता है जो उसकी भोग विलास की वस्तु है, ठीक। तो इसी कारण से यहां पर इनके पास पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, समृद्ध क्षेत्र है, इसीलिए वो स्वयं चाहते हैं कि हमारे ही देश से क्या हो, व्यापार हो और हमारे ही लोग इसमें ट्रेड करें, ठीक। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं आप कि यूरोप के देश के लोग क्या हैं, ईसाई हैं, और ये कहीं ना कहीं क्या है यहां पर मुस्लिम व्यापारी हैं, अरब क्या है मुस्लिम व्यापारी, इसी कारण से एक धार्मिक टकराव भी इनमें बना रहता था। इसीलिए अरब व्यापारियों को ये यहां से व्यापार से हटाना चाहते थे और खुद डायरेक्ट ट्रेड या व्यापार करना चाहते थे। इसी क्रम में पुर्तगालियों ने उस समय प्रयास किया, यूरोप के लोगों ने प्रयास किया कि हम लैंड रूट से, स्थल मार्ग से क्या हम भारत जा सकते हैं, जा तो सकते हैं, परंतु अरब लोगों के द्वारा इन यूरोपियों को कभी भारत आने नहीं दिया गया। इस कारण से कभी यूरोप और भारत के मध्य स्थल मार्ग से व्यापार नहीं हो पा रहा था, स्थल मार्ग से मार्ग यहां व्यापार नहीं हो पा रहा था। इसी का उपाय एक निकाला गया, और उपाय कुछ इस प्रकार से था कि अगर हम स्थल मार्ग से नहीं जा सकते तो भारत हमें समुद्री मार्ग से जाना होगा, और समुद्री मार्ग की यहां पर खोज होने लगी, ठीक। क्लियर है यहां तक चीजें, कुछ एक बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, ये आपके यूरोपियों के आगमन से संबंधित शुरुआती जो तथ्य फैक्ट है उसे मैं बता रहा हूं, फिर हम लोग पॉइंट पे आना चालू कर देंगे। इतने पॉइंट आपको क्लियर है, किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला भारत की खोज के लिए, एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। यह निकला वर्ष 1487 ईस्वी में, पुर्तगाल से सबसे पहला एक व्यक्ति निकला बार्थोलोमियो डियाज। अपनी नाव लेकर निकला, मस्त है ना, यहां से नाव लेकर जहाज लेकर निकल रहा है, और जहाज लेकर जब वह निकला तो यहां से पहुंचते हुए वह पहुंचा अफ्रीका के दक्षिणी छोर में, जिसे कहा जाता है कैप ऑफ गुड होप, उत्तर अंतरिप मासा, हिंदी में उत्तर अंतरिप मासा, परंतु हिंदी वाले भी इस अंग्रेजी के शब्द को याद रखेंगे क्योंकि हिंदी में भी कैप ऑफ गुड होप लिखकर आ जाता है। क्लियर है यहां तक चीजें। तो मैंने क्या बताया, बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल के देश से यहां पर निकला और भारत की खोज के लिए जब ये निकला तो पहुंचा कहां, कैप ऑफ गुड होप में पहुंचा, और कैप ऑफ गुड होप से एक्चुअल में इसे जाना कहां है
ये चीज उसे समझ में नहीं आई, समझ में नहीं। कहा जाता है कि उस समय कंपास या दिक्सूचक नहीं होता था जो दिशा के बारे में जानकारी दे पाए, ठीक। इसी कारण से उसको समझ ही नहीं आया कि भारत किस दिशा में पड़ेगा, और इसी उलझन में यह वहां से वापस चला गया। मतलब बार्थोलोमे डियाज निकला तो जरूर बट भारत नहीं पहुंच पाया, क्लियर है। पहला एक व्यक्ति बार्थोलोमे डियाज, ठीक। अगला हम देखेंगे स्पेन से, स्पेन से दूसरा एक व्यक्ति निकलेगा। ये पहला निकला, दूसरा एक व्यक्ति स्पेन से निकलेगा जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस, और क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 1492 में यह निकलता है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में यह निकलता है, और जब यह क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में जा रहा होता है तो यह भटकते भटकते यह पहुंच जाता है कहां, नॉर्थ अमेरिका में। कहां पहुंचेगा ये क्रिस्टोफर कोलंबस, नॉर्थ अमेरिका में पहुंचेगा, नॉर्थ अमेरिका की, ठीक, क्लियर है। नॉर्थ अमेरिका में पहुंचेगा और अमेरिका की खोज कर देगा, अमेरिका की खोज यह कर देगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, खोज की, क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अमेरिका की खोज कर दिया, ये सोचा कि भारत को खोजूंगा बट भारत नहीं खोज पाया, अमेरिका को खोज दिया, और अमेरिका को खोजने के पश्चात इसने अमेरिका के लोगों को एक नाम दिया और वह नाम था रेड इंडियन, रेड इंडियन कहा अमेरिका के लोगों को, क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके पश्चात ये सब कहानी है भाटी, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। पहले बार्थोलोमे डियाज, सबसे पहले कोलंबस, उसके बाद अब जो है भारत की तरफ, भारत की तरफ पुर्तगाल से, पुर्तगाल से एक और व्यक्ति निकलेगा जिसका नाम था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, क्लियर है, ठीक। यहां से निकलने वाला है कौन, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, क्लियर है यहां तक चीजें। वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक नाविक यहां से निकलेगा। पुर्तगाल से अगर निकलने की मैं बात करूं तो यह निकलेगा वर्ष 1497 में, 1497 में यह नाव से निकलेगा, और निकलने के बाद यह वही रास्ता अपनाएगा जहां से बार्थोलोमियो डियाज निकला था। बार्थोलोमियो डियाज ने जैसे कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था, वैसे ही इसकी भी नाव कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचेगी, और कैप ऑफ गुड होप के बाद यह आगे बढ़ेगा, इस प्रकार से यह आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद हुआ ये कि इसको भी थोड़ी सी समस्या आई, इसको भाई वास्को डी गामा को, और वास्को डी गामा को समस्या क्या आ रही है उसे समझिए। देखिए इसके पास कंपास आ गया है, इसे पता है किस दिशा में जाना है। ये जब आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ने के बाद इसे ये हुआ, इसके मन में जो प्रश्न था वह यह था कि अगर मैं भारत में जाऊंगा, भारत में अगर जाऊंगा तो कहां पे जाऊंगा भाई, मेरे को मसाला चाहिए, कोई एक क्षेत्र तो होगा, कोई एक क्षेत्र तो होगा जहां पर जाकर मैं व्यापार करूंगा। तो उस समय जब इसकी नाव वास्को डी गामा की नाव आगे बढ़ रही थी, उसी समय यहां पर एक नाव और मिली, और उस नाव पर एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मुनीद, अब्दुल मुनीद, अब्दुल मुनीद नाम का एक व्यापारी इसे यहां पर मिलता है वास्को डी गामा को, और यही गुजराती व्यापारी, यही गुजराती व्यापारी इस वास्को डी गामा को भारत के, भारत के केरल में स्थित, भारत के
यहां पर बड़ा कर लेते हैं इसे। भारत के केरल में स्थित कालीकट नामक स्थान पर ले जाता है, वास्को डी गामा को कालीकट नामक स्थान पर ले जाता है और कालीकट में वास्को डी गामा वर्ष 1498 में पहुंचता है। यहीं पर आपका एक नंबर का क्वेश्चन कि वास्को डी गामा जल मार्ग से भारत को कब खोजा, तो वर्ष 1498 में खोजा। मैंने क्या बोला, भारत को ये नहीं खोजा भाई, है ना, भारत को नहीं खोजा। भारत तो आप पढ़ रहे हड़प्पा के टाइम से, आप मेरे साथ जुड़े हड़प्पा के समय से, ठीक है, हड़प्पा के समय से हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत में, वैदिक पढ़ लिए, गुप्त पढ़ लिए, तो उस समय से भारत था, भारत को खोजना नहीं है। परंतु जल मार्ग की खोज करने वाला वास्को डी गामा हुआ और पहुंचा कहां, 1498 में, 1498 में। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी मुझे जहां तक लग रहा है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं चीजें समझ में आ रही है कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं, इन चीजों को अगर आप समझ रहे हैं बेहतर रूप से तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक, आधुनिक भारत का सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक चल रहा है आपका। इसके बाद अगर इस चीज को अगर आप समझ गए, आज की क्लास को अगर आप समझ गए, तो आगे क्या होगा, व्यापार कैसे होगा इनका, इसके अलावा इनका प्रभाव कैसे भारत पर पड़ेगा, इन चीजों को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। परंतु उसके पहले आपको ये सब बेसिक चीजें समझनी होगी। ठीक, तो यहां पर 1498 ईस्वी में कालीकट में कौन पहुंचा, वास्को डी गामा पहुंचा। अब कालीकट में उस समय एक राजा था जिसका नाम था जमोरीन। तो कालीकट में एक राजा था जिसका नाम था जमोरीन, और जमोरीन ने इसका वेलकम किया। जमोरीन ने वास्को डी गामा का वेलकम किया, स्वागत किया। क्लियर है यहां तक चीजें क्या आपको, मैंने क्या बताया, वर्ष 1497 में वास्को डी गामा निकला और वास्को डी गामा जो है पहली बार भारत में पहुंच रहा है वर्ष 1498 में। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत हुई होगी या समझ नहीं आ रहा होगा वैसे वाली कोई बात होगी। ठीक, समझिए अब चलिए, है ना, ये पूरी कहानी हम देख लिए वास्को डी गामा के बारे में। यहां से पॉइंट आप ध्यान से देख सकते हैं, चीजें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। मैप भी जहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, कौन कहां से गया, कोलंबस ने अमरीका खोजा और भारत में भारत की खोज स्थल मार्ग से वास्को डी गामा ने। इसके अलावा कभी आपको पूछे कोलंबस किस देश का था, तो स्पेन, और वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, ये प्रश्न आ चुके हैं दोनों प्रश्न। ठीक है, एक पर क्वेश्चन ले लेते हैं फिर हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ये देखे एक प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट कैमिन ईयर, किस वर्ष वास्को डी गामा आया था। अभी मैंने आपको बताया वास्को डी गामा जो आया था वर्ष 1498 में आया था, वर्ष 1498 में यह आया था। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड है, से रिलेटेड है। ठीक, अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको वास्को डी गामा की कहानी को आगे बढ़ाना होगा, तो बढ़ाएं, अब बढ़ें आगे। ठीक, चलिए देखिए, मैंने बताया कि वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा जो है 1498 में, 1498 में यह केरल के कालीकट में पहुंचा, केरल के कालीकट में पहुंचा, और शुरुआती समय में यह जब आया था तब कहा जाता है कि इसने तीन माह यहां गुजारे। ध्यान समझिए, ये इस वर्ष का प्रश्न भी रहा है। ठीक है, इस साल का पेपर उठा के देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसलिए मैं बारीक बारीक छोटी चीजों को अभी बता रहा हूं। तो यहां पर 1498 में जब आया तो तीन माह गुजारा। ठीक, इसके अलावा वास्को डी गामा जब यहां से सामान लेकर, मसाले लेकर गया, तो उन मसालों को इसने अपने देश में
करीबन 60 से 70 गुना दामों पर बेचा। मसालों को 60 गुना 16 टाइम्स 60 गुना दामों पर इसने बेचा, ठीक, और इसने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा, ठीक। इसी क्रम में यह तो पहला पुर्तगाली था जो वास्को डी गामा कालीकट आया। इसी क्रम में हमको देखने मिलता है कि अगला एक और पुर्तगाली आता है जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज, और यह दूसरा पुर्तगाली जो है 1500 ईस्वी में आता है, 1500 ईस्वी में, क्लियर है, पेड्रो अल्वारेज, ठीक। फिर 1500 के पश्चात अब वास्को डी गामा जो है दूसरी बार भारत आएगा, दूसरी बार, ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा जो है दूसरी बार भारत आया, वास्को, ये जितने भी पॉइंट है आप ध्यान से नोट कर सकते हैं, वास्को डी गामा का सेकंड टाइम आना हुआ और वह आया 1502 ईस्वी में, फिर से आगमन हुआ वास्को डी गामा का, क्लियर है, वास्को डी गामा फिर से भारत आया 1502 में, 1498 में पहली बार, 1502 में दूसरी बार। चलिए अब यहां देखिए, वास्को डी गामा जब आया उसके पश्चात यहां पर जब इनका व्यापार बढ़ने लगा तो व्यापार बढ़ने के साथ साथ अब इनको सामान रखने के लिए एक जगह की जरूरत थी, ठीक है। जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं कि अगर आपको सामान रखना है तो सामान रखने के लिए व्यापारी क्या रखते हैं, गोडाउन, वैसे ही गोडाउन की जरूरत इन्हें थी, और उस गोडाउन को कहा गया फैक्ट्री, कहा गया फैक्ट्री कहा गया, ठीक। तो यहां पर पुर्तगालियों की फर्स्ट फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी कहां बनी, कोचीन में बनी, कालीकट के पास ही एक जगह है कोचीन, और इसी कोचीन में इनके द्वारा पहली व्यापारिक कोठी बनाई गई। समझ में आ रही बातें, वास्को डी गामा 1502 में आया और 1503 में हमें देखने को मिलता है कि यहां पर इनके द्वारा व्यापारिक कोठी भी बना ली गई। अब यानी कि इनका व्यापार जो है बहुत ज्यादा फल फूल रहा है, ठीक। ऐसे ही दौर आगे बढ़ता चला, अब यहां पर पुर्तगालियों को लगा कि ये जो ट्रेडर्स हैं, वास्को डी गामा हैं या और अन्य जो लोग जा रहे हैं, ये तो हमारे समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि भाई वास्को डी गामा भी अगर जा रहा है तो 60 से 70 गुना दामों पर यहां पर वह कमा रहा है, उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। तो यहां पर इन्होंने सोचा, पुर्तगाली गवर्नमेंट ने कि क्यों ना हम डायरेक्ट वहां पर रूल करें, है ना, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट यहां पर प्रभाव डालने का प्रयास किया गया था, इनडायरेक्ट बिजनेस हो रहा था, क्यों ना हम अपने तरफ से किसी व्यक्ति को भेजे, किसी ऑफिसर को भेजे, और वह ऑफिसर प्रॉपर वहां पर इस व्यापार को, इस बिजनेस को एक्सपांड करे, ठीक है। अभी क्योंकि वास्को डी गामा गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया व्यक्ति नहीं है, यह तो एक सेलर है, व्यापारी है, अपने हिसाब से व्यापार कर रहा है, जैसा चाहे वैसे दाम पर यह बेच रहा है चीजों को। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले एक गवर्नर को बनाकर भेजा जाएगा जो होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक। यहां पहला एक गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर बनेगा जिसका नाम होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की अगर बात करें, यह पहला गवर्नर बनेगा, ठीक, और इसका जो समय टाइम पीरियड होगा वह होगा 1505 से 1509। इस समय तक यह यहां पर अपना समयकाल गुजारेगा। इसी टाइम पीरियड में यहां पर जब इनका व्यापार का एक्सपांशन हो रहा था, बढ़ावा ये व्यापार को दे रहे थे, तभी हमें देखने मिलता है कि इनके द्वारा एक पॉलिसी लाई जाती है जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी या
शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति में इनका मानना यह था कि भारत का यह जो क्षेत्र है, हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, इंडियन ओशियन वाला जो क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र पर पुर्तगालियों को कब्जा हो और इस क्षेत्र में केवल और केवल पुर्तगाली ही क्या करें, व्यापार करें। तो ऐसी एक पॉलिसी यहां पर ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में हमको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय में देखने को मिली। ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के पश्चात दूसरे गवर्नर के रूप में हमें देखने मिलेंगे, उनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है 1509 से लगभग 1515 तक शासन करेगा, यहां रहेगा, और इसे हम पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहेंगे। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक यहां पर कहलाएंगे। अब यहां पर होता क्या है, इसे वास्तविक संस्थापक क्यों कह रहे हैं? इसने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि इनका जो क्षेत्र है, अभी ये कालीकट कोचीन के आसपास जो व्यापार कर रहे हैं, इसने अपने क्षेत्र का एक्सपांशन करना चालू कर दिया, अपने व्यापार क्षेत्र को इसने बढ़ाना चालू कर दिया। और व्यापार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसने जितना भी कोस्टल एरिया था भारत का जितना भी तटीय सीमा थी, भारत की सारी तटीय सीमा पर इसने कब्जा करना चालू किया। इसी क्रम में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा का क्षेत्र छीन लिया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अभी तक तो ऐसा था कि इनका व्यापार में ध्यान था, अब ये व्यापार से हटकर कुछ नई चीजें यहां पर कर रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ अल्बुकर्क ने यह प्रयास किया कि पुर्तगाली अपनी शक्ति तो स्थापित करे, साथ ही साथ यहां पर इनकी संख्या भी बढ़े और इनका प्रभाव भी बढ़े। इसी प्रभाव को बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि इसने सैनिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के कहा, भारतीय महिलाओं से विवाह करने को कहा, ताकि यहां पर इनकी जनसंख्या बढ़े और पुर्तगाली अपना साम्राज्य का विस्तार कर सके, अपनी शक्ति का, अपना व्यापार का विस्तार कर सके। यह बात अल्बुकर्क के समय में की गई। तो यहां पर इन सब घटनाओं को देखते हुए हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, यह क्या है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। इसके अलावा कहा जाता है कि इसने सती प्रथा को प्रतिबंध या बैन लगाने का भी प्रयास किया था। इसके अलावा ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अगला हम बात करें तीसरे गवर्नर की, जिसका नाम था नीना डी कुन्हा। नीना डी कुन्हा की बात करें तो यह पुर्तगालियों की तरफ से अंतिम और महत्वपूर्ण गवर्नर के रूप में आपको देखने मिलेगा। ठीक, जो भारत में आया था, इसके बाद आपको किसी के बारे में याद नहीं रखना है।
पहला याद रखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा याद रखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और तीसरे क्रम में आप याद रखिए नीना डी कुन्हा। ठीक, अब नीना डी कुन्हा के समय में क्या होता है? नीना डी कुन्हा के समय में, इसके टाइम पीरियड में हमें देखने मिलता है कि वास्को डी गामा जो है 1524 में भारत आता है और यहीं इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वास्को डी गामा की मृत्यु होगी किसी के काल में, वास्को डी गामा की डेथ, मृत्यु हो जाएगी। तो यहां पर आप ध्यान देने वाली बात यह है कि वास्को डी गामा कितने बार भारत आया। तो याद रखेंगे वास्को डी गामा जो है 1498, 1502 और 1524, अंतिम बार जब यह भारत आया तो उसी समय उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर है इतनी चीजें? इसी समय हमें देखने को मिला कि जब पुर्तगाली अपनी शक्ति को यहां पर बढ़ा रहे थे तभी उन्होंने एक व्यवस्था भी बना के रखी थी, उस व्यवस्था को कहते हैं कार्ड्स आर्मेडा, काफिला सिस्टम या व्यवस्था, कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था या सिस्टम कहा गया। ठीक, इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या था? कार्ड्स का मतलब होता है परमिशन, अनुमति। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें भारत का जो क्षेत्र था, भारत के क्षेत्र में, अगर किसी विदेशी की नाव अगर भारत की इस समुद्री सीमा में प्रवेश करना चाहती है तो उन्हें पुर्तगालियों से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, कार्ड से यानी परमिशन, एक परमिशन लेना होगा कि हमारी नाव यहां आना चाहती है, और इस नाव को परमिशन अगर नहीं दिया गया पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कार्ड से नहीं प्रोवाइड किया गया, तो यहां पुर्तगाली जो हैं इनकी नाव को तोप के गोले से उड़ा देती थी, खत्म कर देती थी। यह चीज हमको नजर आए। ठीक, तो यह कार्ड्स आर्मेडा व्यवस्था ही थी जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि अगर आप परमिशन लेते हैं तो हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, अगर आपने परमिशन नहीं ली तो हम आपको तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, यानी पुर्तगाली चाह नहीं रहे कि कोई भी बाहर से विदेशी व्यापारी, विदेशी व्यक्ति जो है यहां पर व्यापार करने आए, व्यापार या बिजनेस करने आए। क्लियर है? इसके अलावा हम देखते हैं कि पुर्तगाली जो है हमारे यहां से मसाले इत्यादि सब चीजें जो लेकर गए, उसके अलावा यहां पुर्तगालियों ने बहुत कुछ चीजें दी भी। तो पुर्तगालियों ने दिया क्या था, तो पुर्तगालियों ने दिया था आलू, फलाहारी। अभी तीज त्योहार का समय है, सब आलू से बनी हुई चीजें को खाते हैं। ठीक है, और तीज त्योहार में कहीं ना कहीं आप देखेंगे उपवास में भी इसका उपयोग किया जाता है आलू का, और ये आलू हमारे यहां का नहीं। ठीक, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट तंबाकू, ये तंबाकू भी पुर्तगालियों की ही देन है, ये भारत का नहीं है, पुर्तगालियों की देन है, क्योंकि विदेशी चाहते ही थे कि इनको तंबाकू की लत लग जाए, चाय की लत लग जाए, कॉफी की लत लग जाए, ये सब चीजें ला ला के हम पर क्या कर दिए, हमें मानसिक रूप से इन चीजों का गुलाम बना दिए। ठीक है, गली गली में अभी निकल जाओ तो हर गली में एक पान ठेला और एक सामने में चाय वाला, ये दो चीजें दिख जाती। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? ठीक, क्योंकि तंबाकू जो है ये आपको आदि बना देता है, चाय में भी लोग आदि हो जाते हैं, और ये सब चीजें अंग्रेजों और ये तंबाकू जो है पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, देखिए इसके अलावा इन्होंने जो अच्छी चीज लाई थी वह है प्रिंटिंग प्रेस, इनकी ही देन है। प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करूं तो यह इनके द्वारा ही लाया गया था, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक, इसके अलावा हम देखिए स्थापत्य कला में
आर्किटेक्चर में, तो इनके द्वारा एक आर्किटेक्चर लेकर आया गया था, उसे कहते हैं गॉथिक, गॉथिक आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला, गॉथिक स्थापत्य कला, ठीक, गॉथिक स्थापत्य कला भी इनकी ही देन थी। क्लियर है? तो यहां पर हमने जाना पुर्तगालियों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को, इंपॉर्टेंट जानकारियों को। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, फिर हम जो भी यहां पर भारत में जो आए थे व्यापार करने उनके बारे में जानते हुए चलेंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। तो यहां पर बताइए ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अल्मीडा के द्वारा लाया गया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा यह लाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर देश से संबंधित है, ध्यान से बताएंगे इसका आंसर, ट्राई करेंगे, कनेक्ट कीजिए। बहुत सारे कुछ है, कुछ के बारे में मैंने आपको बताया है, कुछ के बारे में आपको मुझे बताना है कि कौन सा आंसर होगा। ध्यान से देखिए, बताइए क्या होगा आंसर। तो यहां पर इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे छात्रों ने बताया होगा, बहुत सारे छात्र जो नहीं बता पाए वो ध्यान से देखिए। एक ऑप्शन जैसे कि वास्को डी गामा पुर्तगाल से, इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस मैंने बताया था स्पेन से, दो के बारे में आपने नहीं सुना होगा तो इनके बारे में जान लीजिए। कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान जो है हॉलैंड के, ये सब जो है हमारे भारत में आए थे और किस देश से आए थे उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोलंबस जो है स्पेन का, इसमें गलती मत कीजिएगा, इसी ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक, अगला है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली जो पड़ेगा बंगाल में उसे लूटपाट का केंद्र किसने बनाया था, बताइए। तो यहां पर हम बात कर रहे थे पुर्तगालियों की और पुर्तगालियों ने ही इसे लूटपाट का एक बड़ा केंद्र बनाया था, लूटपाट का एक केंद्र बनाकर रखा। ठीक है, पुर्तगालियों ने। क्लियर है? अगला है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी, संयुक्त पूंजी ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सी कंपनी आई थी? तो भारत में यह संयुक्त पूंजी लाने वाली थे डच, डच। अब अगला हम जो पुर्तगाल के बाद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डच के बारे में, तो डच के बारे में बेसिक चीजों को जान लेते हैं। चलिए, डच की अगर हम बात करें तो डच जो है हॉलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे, जो कैप्टन, कैप्टन हाउटमैन, हाउटमैन, कैप्टन हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आए थे और भारत आने के पश्चात इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक, भारत में इन्होंने व्यापार की अगर बात करें तो भारत में 1602 में इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। इसके अलावा जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है यह एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है। संयुक्त पूंजी का मतलब क्या है कि जहां पर, जहां पर अलग अलग लोगों ने अपनी कुछ कुछ पूंजी या कुछ कुछ पैसे लगाए हैं। क्लियर है? जैसे अगर अंबानी की अगर मैं बात करूं, रिलायंस की अगर बात करूं, तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट अंबानी का नाम सुनते हैं। ठीक, अंबानी अगर बोल रहे हैं तो हम लोग मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं, और मुकेश अंबानी ने अपना पूरा शुरुआत जो पूंजी लगाया था उन्होंने ही लगाया था, तो वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देखेंगे। जियो का भी नाम सुनते तो अंबानी का नाम सुनते। वैसे ही अडानी की बात करें तो अडानी में एक सिंगल जो लार्जेस्ट है, जिन्होंने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट लगाया, वो अडानी है। परंतु अगर हम देखें कुछ कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं
जहां पर छोटे छोटे पूंजी लगाने वाले, बिजनेस को चालू करने वाले लोग होते हैं और उनके द्वारा एक कंपनी बनाई जाती है। तो वैसे ही अलग अलग लोगों के द्वारा इन्वेस्ट करके एक कंपनी बनाई गई थी, उसे संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कही गई थी। और वही संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक, क्लियर है? अगर हम डचों की अगर बात करें तो डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, याद रखेंगे इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, पहली व्यापारिक कोठी, फर्स्ट फैक्ट्री, पहली व्यापारी कोठी, पहली व्यापारी कोठी इन्होंने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में बनाई। पहली व्यापारी कोठी कहां बनाई? मसूलीपट्टनम में। पुर्तगालियों ने कहां बनाई? कोचीन में। ये एकदम यानी कि फेवरेट क्वेश्चन रहा है पीएससी का, बहुत बार यहां से प्रश्न बने हैं। ठीक, तो इनकी पहली व्यापारी कोठी कहां बनी? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक, इसके अलावा हम अगर देखें तो डचों को यहां पर भारत में वस्त्रों का बिजनेस यानी कपड़ों के बिजनेस का श्रेय दिया जाता है। भारत में इन्होंने जो व्यापार किया था वह किया था कपड़ों का, तो वस्त्रों के व्यापार का बिजनेस का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। ठीक, इसमें हम देखें तो डच की भूमिका भारत में ज्यादा नहीं थी, इनका ध्यान इंडोनेशिया में ज्यादा था। ये अपना व्यापार जो है इंडोनेशिया के क्षेत्र में ज्यादा कर रहे थे और भारत में कहीं ना कहीं जब इनके साथ साथ इनका जब आगमन होता है 1600 के आसपास, इनके आगमन के साथ साथ अंग्रेज ब्रिटिशर्स भी आने का प्रयास यहां कर रहे थे और जब ब्रिटिशर्स यहां पर आ जाते हैं तो इनको व्यापार करने नहीं देते और ज्यादा समय तक डच यहां पर अपना व्यापार का प्रचार प्रसार नहीं कर पाते और एक युद्ध में पराजित होने के बाद डचों को वापस जाना पड़ता है। तो याद रखेंगे डचों का अंग्रेजों के साथ एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं बेदरा का युद्ध या बैटल ऑफ बेदरा। और ये बैटल ऑफ बेदरा जो है ये होगा वर्ष 1659 में यह बेदरा का युद्ध होगा। इस बेदरा के युद्ध में हमको देखने मिलता है कि इसमें अंग्रेजों की लड़ाई किनसे होगी? डचों से होगी और डच इसमें पराजित हो जाएंगे और डच इसमें पराजित होने के पश्चात इन्हें इंडोनेशिया तक सीमित कर दिया जाता है और इसके बाद वो कभी भारत की ओर वापस नहीं आ पाते। ठीक, तो याद रखेंगे डचों को बेदरा के युद्ध में बाहर कर दिया गया और पूरे भारत में अभी ये व्यापार नहीं कर पाते। ठीक, तो डचों की भूमिका बहुत ही कम है। ठीक, उतना ज्यादा यहां पर इनका कुछ कार्य नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा दबाव बनाकर रखा था कि अपना व्यापार ना कर पाए। क्लियर है यहां तक चीजें? चलिए, देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही है? आधुनिक कोची भारत के एक स्वतंत्र डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिसके बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया और लास्ट है आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश का उपनिवेश का भाग नहीं रहा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। सही का आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स किले का निर्माण किया था। ठीक, यह चीज देखने को मिली। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था?
तो भारत में अगर निम्नलिखित में की अगर बात करें तो उसका बादशाह था अकबर। अकबर मैंने बताया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ उस समय मुगलों का शासन चल रहा था और मुगल में जो शासक थे उनका नाम था अकबर। अकबर चलिए अब हमको जो पढ़ना है वह पढ़ना है अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेजों के बारे में हमें पढ़ना है अंग्रेजों के बारे में। ठीक क्लियर है यहां तक चीजें। अब अंग्रेजों की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजों ने ब्रिटेन में या लंदन में एक व्यापारिक कंपनी बनाई, एक ट्रेडर कंपनी मर्चेंट कंपनी वहां का निर्माण हुआ और इस कंपनी का निर्माण हुआ 1599 में। 1599 में जो कंपनी बनी उसे 1600 में वर्ष 1600 में एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी गई और उसके पश्चात अंग्रेज जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे और भारत में व्यापार की अनुमति के लिए आएंगे। तो आइए समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 1599 में लंदन में या ब्रिटेन में मर्चेंट कंपनी, एक मर्चेंट कंपनी व्यापारियों की एक कंपनी तैयार हुई और इस व्यापारिक कंपनी को, इसी व्यापारिक कंपनी को आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। ये मर्चेंट कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। क्लियर है। वर्ष 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट ने या एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को लगभग 15 वर्षों के लिए अनुमति दी। क्या चीज की? वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी, बिजनेस की परमिशन दी। तो 15 वर्षों की यहां पर इन्हें अनुमति मिली और अंग्रेज व्यापार करने निकले। ठीक। तो ये शुरुआती दौर में तो 15 साल के लिए व्यापार की अनुमति दी गई थी परंतु आगे चलकर जेम्स फर्स्ट ने व्यापार की अनुमति असीमित समय के लिए बढ़ा दी, अनलिमिटेड टाइम के लिए। शुरुआती दौर में 15 वर्ष के लिए और बाद में 15 वर्ष से अत्यधिक समय के लिए इसे अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ठीक। अब देखिए 1600 में परमिशन मिल गई है, 1600 में परमिशन मिल गई, अकबर का काल था, अकबर के काल में परमिशन मिली और अकबर के काल परमिशन मिलने के पश्चात ये भारत आने वाले हैं और भारत में व्यापार की अनुमति किन से लेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने मुगल वंश में पढ़ा था, बताइए कि भारत में आने के बाद इन्होंने व्यापार की अनुमति किन से ली। ठीक चलिए हम लोग देखते हैं तब तक। तो यहां पर जब अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ तो उसमें हमें देखने मिलता है कि एक अंग्रेज भारत में आएगा और एक जहाज में आएगा जिसका नाम था हेक्टर और इस हेक्टर नाम के जहाज में वर्ष 1608 ईस्वी में जो अंग्रेज आएगा उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। क्लियर है। एक प्रेशर कुकर आया करता था पहले, पता होगा बहुत से लोगों को, हॉकिंस अभी भी आता होगा। ठीक। तो इस कैप्टन हॉकिंस के द्वारा भारत में हेक्टर नाम के जहाज से आया और सूरत में इसने अपना कदम रखा। सूरत में सबसे पहले यह आया।
इसके बाद यह दिल्ली की ओर गया और दिल्ली में आगरा में गया, और आगरा में उस समय मुगल वंश का शासन था, और मुगल वंश में जो शासक था उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर याद आ रहा है, जहांगीर के बारे में मैंने बताया था ठीक उस समय कि एक व्यापारी आएगा कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिशर्स ये आएगा, और आने के बाद यहां पर जहांगीर से अनुमति मांगेगा। अब होता क्या है कहानी को समझिए, उस समय कुछ चीजें मैंने बताई थी, कुछ चीजें अभी एड ऑन कर लो ठीक। देखिए यहां पर जब ये कैप्टन हॉकिंस पहुंचा है, कैप्टन हॉकिंस तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा है, परंतु जब ये निकला था तो ये लेटर लेकर निकला था, एक लेटर लेकर निकला था। लेटर में ऊपर जो नाम लिखा हुआ था वो था टू द अकबर मुगल वंश, ठीक है, टू द अकबर लिखते ना भाई, सेवा में अकबर महोदय, इस प्रकार से एक लेटर था जिसमें नाम ऊपर किसका लिखा हुआ था, अकबर का। अब ये जब पहुंचा तो 1605 तक तो डेथ हो गई थी अकबर की, अकबर की मृत्यु हो गई। अब ये लेटर लेके पहुंचा है कहां, जहांगीर के पास, और जहांगीर को लेटर पकड़ाया गया। जहांगीर ने देखा शुरू में ही नाम लिखा हुआ अकबर का, तो ये आग बबूला हो गया। क्यों वो आप खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्यों जहांगीर यहां पर गुस्सा हो गया। तो जहांगीर अपने पिता का नाम देखकर आग बबूला हो गया और उसने बोल दिया कि ये लेटर मैं पढ़ूंगा ही नहीं, और जिस काम के लिए आए हो वो काम आपका नहीं होगा, यानी आपको अनुमति नहीं मिलेगी, शुरुआती दौर में अनुमति नहीं मिली। इसके अलावा एक पॉइंट और मैंने बताया था कि यहां पर एक बात से इस कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर को प्रसन्न किया था, खुश किया था, और वो बात थी कि वहां पर जब इनमें वार्तालाप हुआ, एक तरफ जहांगीर एक तरफ कैप्टन हॉकिंस, दोनों में जब चर्चाएं हुई तो चर्चाएं हुई फारसी में। एक अंग्रेज कैसे फारसी में बात कर दिया, ये जहांगीर के लिए भी बड़ा अजूबा था, है? कैसे बात कर लिया भाई ऐसे करके, इसको भी थोड़ा लगा, है ना। जैसे यहां पर अगर मान लो कोई अंग्रेज आकर छत्तीसगढ़ी में बात करेगा आपसे, कैसे वो ठीक ठाक बने बने ऐसे करे, है ना, जय जोहार इतना ही शब्द बोल देता है, फिर तो बिल्कुल आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो, ये अंग्रेज कैसे छत्तीसगढ़ी बोल दे रहा ऐसे टाइप का। ठीक वैसे कंडीशन था कि ये अंग्रेज मुगल वंश के समय में आया है और फारसी कैसे बोल दे रहा है, ये ऐसा हुआ जहांगीर के लिए। तो जहांगीर ने इसी कैप्टन हॉकिंस को क्या टाइटल दिया था बताइए, कंटिन्यूअस कमेंट सेक्शन में आपके हाथ चलते रहने चाहिए और आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सब चीजें बता दी है। तो यहां पर आपको कैप्टन हॉकिंस ने, जहांगीर ने इसे टाइटल दिया, और टाइटल था इंग्लिश खान का। पूछेगा क्वेश्चन याद रखिएगा, हल्के मत लीजिए, सब छोटे छोटे पॉइंट है ना, एक एक प्रश्न बनता है मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते जाइए। तो यहां कैप्टन हॉकिंस को क्या मिला, इंग्लिश खान का टाइटल मिला। इंग्लिश खान के टाइटल के अलावा यहां पर हमको देखने मिलता है कि अब शुरुआती दौर में जो जहांगीर ने इसे परमिशन नहीं दी उसका एक कारण और था। ये लेटर में तो पिता का नाम था वो एक कारण तो था, बट एक कारण और था, व्यापार की अनुमति ये जहांगीर इसलिए भी नहीं दे पा रहा है क्योंकि पुर्तगालियों का उस क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में कब्जा है। तो ये बेचारा जहांगीर करे क्या, क्योंकि मुगलों के पास नौसेना नहीं थी, सब चीजें थी, नौसेना नहीं थी। तो इसी कारण से पुर्तगालियों का अच्छा खासा दबाव जहांगीर के ऊपर हमें नजर आता है और जहांगीर परमिशन नहीं दे पाता। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक। अब यहां 1608 के पश्चात 1612 में एक युद्ध होगा जिसे हम कहेंगे बैटल ऑफ स्वाली, या स्वाली का युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली या स्वाली का युद्ध हम कहेंगे। इस बैटल ऑफ स्वाली में दो अधिकारी अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे, बैटल ऑफ स्वाली में दो अंग्रेज अधिकारी लड़ेंगे, एक होगा जॉन मिल्डन हॉल और इसका साथ देंगे कैप्टन बेस्ट, कैप्टन
बेस्ट अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन बेस्ट और बिल्डेनहॉल, और दूसरी तरफ होंगे पुर्तगाली, दूसरी तरफ होंगे पुर्तगाली। क्लियर है? अब यहां पर देखिए बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है, ठीक। बैटल ऑफ स्वाली, स्वाली की अगर बात करूं तो ये पड़ेगा गुजरात में, गुजरात में एक तरफ है अंग्रेज, एक तरफ है पुर्तगाली, ठीक। अंग्रेजों ने इस बार अपनी शक्ति दिखा दी, और शक्ति इस प्रकार दिखाई कि पुर्तगालियों को इस बैटल ऑफ स्वाली में, स्वाली के युद्ध में हरा दिया, पराजित कर दिया। बैटल ऑफ स्वाली में हराने के पश्चात यहां जब पुर्तगाली हार गए, पुर्तगाली जब हार गए, इसके बाद अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व दिखाया और अपनी शक्ति को भी दिखाई। अब इसकी शक्ति को देखने के पश्चात मुगल वंश के जहांगीर को लगा, हां भाई ये पुर्तगालियों को तो अब मिल गया है ना, उनके बराबर का दावेदार, बिल्कुल जैसे पुर्तगालियों ने एक डर बनाकर रखा था अंग्रेजों के ऊपर, अब अंग्रेजों के ऊपर नहीं मुगल वंश के ऊपर जो डर बनाया था वो डर खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, कि भाई ये समुद्री शक्ति में पुर्तगाल ही एक कोई शक्ति, बड़ी शक्ति नहीं है, अंग्रेजों की भी एक बड़ी शक्ति है, देख लीजिए आप, ठीक। ये चीज हुआ, ठीक। और इस प्रकार यहां पर अंग्रेज अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए, और अंग्रेजों को शक्ति प्रदर्शन करने के पश्चात एक उपहार मिला, और उपहार क्या मिला कि अगले ही साल, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली व्यापारी कोठी, पहली फैक्ट्री, व्यापारी कोठी ये बनाई कहां? सूरत में। कहां बना दी भाई? सूरत में, ठीक है। ये हुआ अंग्रेजों का पहला व्यापारी कोठी, ठीक। इसके अलावा आपको एक प्रश्न पूछेगा, देखिए ध्यान से समझना मैं क्या चीजें बता रहा हूं उसको। ये मैंने बताया पहली व्यापारिक कोठी जो है, पहली स्थाई है, ये स्थाई परमानेंट। इसके अलावा इन्होंने दक्षिण भारत में, यहीं पर नोट कर लेंगे साइड में, इसी बाजू में नोट कर लीजिए, क्लियर है। ये चीजें जितनी बता रहा हूं अगर आप नोट करते हैं तो मान लीजिए कि आप परीक्षा में जा रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयार होकर जा रहे हैं, आपको जो इतिहास बर्डन लगता था उसे बिल्कुल सरलतम रूप में बताया जा रहा है, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको कवर करवाए जा रहे हैं। जुड़े रहेंगे, फायदा होगा, एग्जाम निकलेगा, क्योंकि टॉप एमसीक्यू सीरीज जो चलाया जा रहा है वो आप ही छात्रों के लिए है भाई, है ना, इसमें हमारा कोई नहीं। हम चाहते हैं कि आप सीजीपीएससी निकालें, आपका भी नाम आए, मेंस निकालें, इंटरव्यू निकालें, आपका भी सिलेक्शन हो, आप बीटीसी बने। रिजल्ट आया ना पिछले हफ्ते, देखे आप, ठीक है, प्रेरणा लीजिए, सीखिए वहां से, ठीक है। और जरूरत है कि आप भी वैसा ही मेहनत और प्रयास करते रहें, और उस मेहनत में हमारा भी आपके साथ एक योगदान है, हम भी आपके साथ लगे हुए हैं कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से यहां पिक करते जाइए एक एक चीजें, है ना। अगर आपको चीजें पसंद आती हैं, हमारे द्वारा जो चीजें डिलीवर की जा रही हैं वो अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट और लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी जोड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में, क्लियर है। चलिए देखिए, यहां अगला एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसके पहले वर्ष 1611 में दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में एक अस्थाई रूप से फैक्ट्री बनाई गई थी, अस्थाई फैक्ट्री बनी थी जिसका नाम था मसूलीपट्टनम। क्या बताया मैंने, एक अस्थाई फैक्ट्री का भी अगर पूछ ले, परमानेंट नहीं था, अस्थाई था, वह था मसूलीपट्टनम में, और स्थाई रूप से अगर पूछे तो आप बताएंगे इनकी व्यापारिक कोठी कहां बनी? सूरत में, ठीक। आगे चलकर
1615 में सर थॉमस रो का भारत में आना हुआ और अब इन्हें अन्य क्षेत्रों में व्यापार की अनुमति मिली परमिशन अब मिल गया। 1615 वाले में जहां तक ये लोग सोचे नहीं थे उस जगह भी इनको व्यापार करने का अनुमति दे दिया जा रहा है। ठीक है, अभी व्यापारी कोठी बनी 1613 में और उसके बाद ये अन्य क्षेत्र में भी व्यापार कर सकते हैं, ये अनुमति इनको मिल गई। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि इनका जब वर्चस्व बढ़ने लगा, इन्होंने जब पुर्तगालियों को अपने अंडर कर लिया, दबाव बनाया इनके ऊपर, तो उसी क्रम में वर्ष 1661 में ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से संपन्न हुआ। समझिए यहां पर चीजों को, मैंने क्या बताया, ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। इंडिया में नहीं भाई, यूरोप में हुआ है ना, यहां नहीं हुआ ये विवाह, बट प्रभाव हमारे यहां पड़ेगा। ठीक, होता यह है कि जब चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का विवाह होता है तो पुर्तगालियों के द्वारा दहेज में उस समय बॉम्बे को दिया जाता है, बॉम्बे को, यानी पुर्तगालियों के पास जो बॉम्बे का क्षेत्र था, यह दहेज में किसे दे दिया गया, ब्रिटेन को दे दिया गया दहेज में। देखिए कई लोग कहते हैं है ना कि भारत में ये दहेज जैसी कुप्रथा चलती है, हाँ है ये कुप्रथा, ये गलत एक प्रथा है, बट आप ये देखिए अंग्रेज जो है, अंग्रेजों में भी तो वहां पर डाउरी सिस्टम चल रहा है, दहेज दे रहे हैं गिफ्ट के रूप में, भले गिफ्ट बोल रहे हैं बट दहेज तो दे रहे हैं, और दहेज देना होता तो वहां अपने यहां यूरोप में स्पेन को देते, पुर्तगाल एक कोई देश को दे देते है ना, अपने देश के आसपास के नीदरलैंड को, हॉलैंड को, ये सबको गिफ्ट करना चाहिए, हमारे यहां के क्षेत्र को ये लोग एक दूसरे गिफ्ट दे रहे, समझ रहे, इतना तो इनका ये प्रभाव बढ़ गया है भारत में कि हमारे क्षेत्रों को एक दूसरे को ये लोग दे रहे हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, ब्रिटेन को दहेज में क्या प्राप्त हुआ है, बॉम्बे। और वो इस बॉम्बे को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दिया जाता है, 10 पाउंड वार्षिक, एकदम नाम मात्र के राशि में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बॉम्बे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है नाम मात्र की राशि पर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान आप ये दीजिए जो नए बच्चे होंगे और जो बिल्कुल पहली बार इतिहास को पढ़ रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पढ़ रहे हैं, तो कई बच्चों के मन में रहता है अंग्रेज आए भारत को गुलाम बनाए, यही हमने नॉर्मल शब्दों में सीखा है, तो ऐसा कोई गलत नहीं है कि आपको जो चीजें पता है वो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट मैं बताना चाहूं अंग्रेज आते ही गुलाम नहीं बना रहे, देखो गुलाम बनाने का एक तरीका है, गुलाम कैसे बना रहे उसी चीजों को हम देख रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई है, सरकार नहीं है आई है, पहला चीज ये हटा दीजिए, सरकार नहीं आई है, यहां पर आई है ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ रहे, अभी एक कंपनी आई है, व्यापारिक कंपनी आई है, व्यापार के उद्देश्य से आई है, इस चीज को समझिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई, व्यापार करने आई है, व्यापारी है, और लास्ट तक इनका उद्देश्य व्यापार ही था, व्यापार की वृद्धि करना था, लास्ट तक ये इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते रहे। ठीक है,
तो यहां पर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, पुर्तगाल ने ब्रिटेन गवर्नमेंट को दिया, चार्ल्स द्वितीय को दिया, और चार्ल्स द्वितीय ने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि जाओ बॉम्बे आप रखो, जो बिजनेस करना है वहां पर करो। ठीक, अगला एक पॉइंट याद रखेंगे, बॉम्बे के संस्थापक के रूप में आपको देखने मिलेंगे जिनका नाम था गेराल्ड आंगियर, संस्थापक फाउंडर बॉम्बे के। क्लियर है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बॉम्बे के संस्थापक कौन है, गेराल्ड आंगियर। इसके अलावा जो कलकत्ता है, कलकत्ता उसे जॉब चारनाक ने बसाया, और जो कलकत्ता जो है वह तीन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया, उसमें शामिल थे सूतानती, दूसरा है गोविंदपुर और तीसरा है कलकत्ता। ये तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया गया, और बसाने वाले कौन थे, जॉब चारनाक थे। क्लियर है कि नहीं, सूतानती, गोविंदपुर और कलकत्ता को मिलाकर एक शहर बसाया गया जिसे हम कहते हैं कलकत्ता। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, चलिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे आगे कहानी को। अगला प्रश्न है, 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां बसाई? ठीक है, ऑप्शन, जहां तक हर कोई छात्र अगर अब इतनी सारी चीजें पढ़ लिया है तो वह जवाब दे सकता है, और जवाब देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए फटाफट, क्या आंसर होगा। क्लियर है, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा सूरत। सभी ने जवाब दिया होगा, सही जवाब दिया होगा, वह होगा सूरत 1613। अगला, निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? तत्कालिक कारण के बारे में बताइए, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध का। ठीक, बहुत से छात्रों को इसका जवाब नहीं पता होगा, जिनको पता है कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बाकी जो छात्र जुड़े हैं उनको मैं ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं यहां पर क्लियर करूंगा कि इसका कारण क्या था कर्नाटक के युद्ध का। ठीक है, चलिए अब देखिए, अंग्रेज जो है ब्रिटिशर्स यहां पर कलकत्ता एक शहर बसा लिए, बॉम्बे इनके पास आ गया, धीरे धीरे यहां पर क्या हो रहा है, अंग्रेजों का क्षेत्र फैल रहा है। इसके अलावा एक और पॉइंट मैंने बताया था अंग्रेजों के टाइम में, उसे भी ध्यान रख लीजिए, फिर हम लोग फ्रांसीसी की तरफ बढ़ेंगे। वह यह था कि 1717 वाली बात आप याद करेंगे कि 1717 में किस मुगल वंश ने अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा प्रोवाइड किया था, प्रदान किया था। मैंने क्या बोला, 1717 में, 1717 में अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा किस मुगल शासक ने दिया था, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक, चलिए अब देखेंगे, जो अंग्रेज हैं व्यापारिक कंपनी के रूप में, अंग्रेज के बारे में पढ़ लिए, अंग्रेजों से अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे डेनिस। के बारे में आपको कभी प्रश्न ज्यादा नहीं आते, डेनिस जो है डेनमार्क के निवासी थे, बस इतनी ही चीजें याद रखना। ठीक, डेनिस के बाद अगले जो इंपॉर्टेंट है वो फ्रांसीसी है। ठीक है, फ्रांसीसी, तो हम लोग पढ़ते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांसीसी। अब जब यूरोप में ब्रिटेन जब विकास करने लगा, डेवलप होने लगा, और अच्छा खासा भारत में व्यापार करने लगा, बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा था, ठीक, बिजनेस बहुत अच्छा करने लगा, तब यहां पर फ्रांसीसियों को भी लगा कि क्यों ना हमें भी एक कंपनी बनानी चाहिए और कंपनी को भारत में व्यापार करने भेजना चाहिए। ठीक, तो व्यापार करने की जब बात आई तो उस समय के राजा लुई 14 ने अपने मंत्री कोलबर्ट को कहा कि हमें एक कंपनी बनानी चाहिए और उस कंपनी को भारत भेजना चाहिए। तो यहां पर लुई 14 के समय में
याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बनता है, ठीक। राजा कौन थे फ्रांस में? लुई 14। लिखने का तरीका देख लीजिए, रोमन नंबर में आपको लिखना है और रोमन में ही रहेगा। लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट, ये प्रश्न पूछा गया है, कोलबर्ट की सहायता से फ्रांस अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेगा। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेगा और फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, फ्रांसिस कैरन के नेतृत्व में भारत में पहली व्यापारिक कोठी, पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में की जाएगी, पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में की जाएगी। क्लियर है? ठीक, पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में की जाएगी। इसके अलावा फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी नाम का एक शहर बसाया, पौंडीचेरी नाम का एक शहर बसाया। पुडुचेरी के नाम से आज जाना जाता है पौंडीचेरी। क्लियर है यहां पे चीजें? देखिए अब जो फ्रांस से संबंधित आपको जो चीजें जाननी है उसे आप ध्यान से देखिए। फ्रांस जो है यहां पर व्यापार तो करने आया था, परंतु यहां पे पूर्व से, पहले से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार कर रही है और वो 1600 ईस्वी से हमको देखने मिल रहा है कि इसका अच्छा खासा दबदबा बना हुआ है। ठीक, अब यहां पर वही बात हो गई, एक मयान में दो तलवार। फ्रांसीसी शक्ति को भी हम कमजोर नहीं समझ सकते और अंग्रेजों को भी, ब्रिटेन को भी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कमजोर नहीं समझ सकते। दोनों के दोनों इक्वलेंट पावर है, बराबर की शक्ति रखते हैं लड़ाई और युद्ध भूमि में, और अगर ऐसा होता है तो टकरार होनी है। तो यहां पर टकरार होगी और युद्ध होगा, जिसे हम कहेंगे एंग्लो कर्नाटिक वॉर। ठीक, एंग्लो कर्नाटिक वॉर की अगर मैं बात करूं तो एंग्लो कर्नाटिक वॉर जब होगा उस समय यहां फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले होंगे। डुप्ले की अगर बात करें तो सबसे महत्वाकांक्षी फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में यह हमें नजर आएगा, और डुप्ले ही जो शुरुआती दो एंग्लो कर्नाटिक वॉर होंगे उसमें यहां नेतृत्व करेगा। समझ रहे चीजों को? ठीक, क्योंकि जब हम एंग्लो कर्नाटिक वॉर देखेंगे तो उसमें हमें करीबन तीन एंग्लो कर्नाटिक वॉर देखने हैं, ठीक है, जिसमें दो का नेतृत्व डुप्ले करता है। डुप्ले को, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, डुप्ले को कौन सी ट्रीटी का जनक कहा जाता है? कुछ चीजों का इसने शुरुआत किया था, ठीक है, जो आगे चलकर अंग्रेज फॉलो करेंगे उसी चीज को। तो बताइए डुप्ले ने किस चीज की शुरुआत की थी जिसे आगे अंग्रेजों ने अपनाया था, कौन सी ट्रीटी, कौन सी संधि? ठीक है, बताएंगे आप, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, चलिए तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं आंग्ल कर्नाटक युद्ध में। अब हम देखते हैं एंग्लो कर्नाटिक वॉर, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक है,
एंग्लो कर्नाटिक वॉर, क्लियर है? समझिए कहानी कहां से शुरू होती है, ठीक, उसे समझिए फिर हम देखेंगे। कहानी शुरू होती है यूरोप से, प्रॉब्लम इंडिया में नहीं थी, यूरोप से कहानी शुरू होती है, ठीक। यूरोप में होता यह है कि ऑस्ट्रिया नाम का जो देश था वहां पर उत्तराधिकार के लिए, सक्सेसरशिप के लिए लड़ाई हो रही होती है, जिसमें फ्रांसीसियों की जहाज को अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट के द्वारा पकड़ लिया जाता है। किसकी जहाज को? फ्रांसीसियों की जहाज को कैप्टन बर्नेट के द्वारा, जो अंग्रेज अधिकारी है उसके द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब जब फ्रांसीसियों की जहाज यूरोप के उस क्षेत्र में पकड़ी गई, उसका प्रभाव हमारे भारत पर पड़ा, ध्यान समझिए, ठीक, उसका प्रभाव हमारे भारत पर पड़ा। भारत में अगर हम देखें तो उस समय इस क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र कर्नाटक का क्षेत्र कहलाता था और ये वाला मैसूर का हुआ करता था, ये मैसूर का क्षेत्र कहलाता था उस समय और यह क्षेत्र कर्नाटक का कहलाता था, ठीक। इसी कर्नाटक के क्षेत्र में जो अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियां थी, किले थे, उस पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया, फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। मैंने क्या बताया, वहां कैप्टन बर्नेट ने फ्रांसीसियों की नाव पकड़ ली और फ्रांसीसियों ने क्या किया, यहां पर अंग्रेजों के किले पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के कब्जे किले पर कब्जा होने के पश्चात कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को यहां पर अंग्रेजों ने कहा कि आप जल्द से जल्द हमारे जितने किले फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिए हैं उसे आप आजाद कराइए। तो यहां पर अनवरुद्दीन किनका साथ दे रहा है? अंग्रेजों का। अंग्रेजों की तरफ से अनवरुद्दीन रहेगा और एक तरफ रहेंगे फ्रांसीसी, और इसी बीच पहला एंग्लो कर्नाटक वॉर शुरू हो जाएगा, ठीक। देखिए यहां पर प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध आपको देखने मिलेगा, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर। अगर इसकी बात करूं मैं तो यह होगा 1742 से लेकर 1748 तक, 1748 तक यह युद्ध चलेगा, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर। इसके अलावा इस एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जो युद्ध होगा अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के मध्य, उसे हम कहेंगे सेंट टोमे का युद्ध, और या तो अडियार का युद्ध भी कहा जाता है, सेंट टोमे का युद्ध या अडियार का युद्ध, ध्यान रखिएगा यह पूछता है एग्जाम में आपको, सेंट टोमे का युद्ध कब हुआ था। डन, क्लियर है यहां तक चीजें? अब इस युद्ध में जब एक तरफ थे अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब, एक तरफ थे फ्रांसीसी, जब दोनों में लड़ाइयां चल रही थी तो कुछ समय पश्चात यहां पर हम देखते हैं कि यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संधि हो जाती है, जिसमें अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों की जहाज छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, और यहां भारत में फ्रांसीसियों ने जो अंग्रेजों के किलों पर कब्जा किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया, ठीक। और इस प्रकार यह जो युद्ध चला, प्रथम कर्नाटक युद्ध, यह एक संधि के साथ समाप्त हुआ, और परिणाम के रूप में वह संधि हमें देखने को मिली जिसे हम कहते हैं एक्स ला
सेपला, एक्स ला सेपला की संधि, एक्स ला सेपला, सेपला की ट्रीटी संधि। इस संधि के तहत फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। ठीक, संधि में बहुत आपको डीप में नहीं जाना है, जो चीजें बता रहा हूं उतनी चीजों को ध्यान रखना। सैन टोमी का युद्ध अगर पूछे तो आप बताएंगे फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर के अंडर ये बैटल हुआ था। सैन टोमे जो है, ये जो युद्ध हो रहा है इसमें अनवरुद्दीन शामिल है और फ्रांसिसी में डुप्ले शामिल है। ठीक, अनवरुद्दीन का नाम याद रखिएगा, यह कर्नाटक का नवाब है, क्योंकि अगले बैटल में यह आपको फिर से देखने को मिलने वाला है। ठीक, यह युद्ध ज्यादा समय नहीं हुआ था, ज्यादा समय नहीं हुआ था कि अगला एक युद्ध हुआ जिसे हम कहेंगे द्वितीय या सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक, सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, कर्नाटिक वॉर, क्लियर है, सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध की अगर मैं बात करूं तो यह होगा 1748 से लेकर 54 तक, 48 से लेकर 54 तक यह युद्ध देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस युद्ध में होता क्या है? ठीक, एक्चुअल में यह युद्ध होता है सक्सेसर के लिए, उत्तराधिकारी के लिए, उत्तराधिकारी के लिए। एक तरफ हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग की लड़ाई होगी और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहिब ये दोनों लड़ेंगे। ठीक, अब समझने वाली बात देखिए, हैदराबाद में दो लोग लड़ रहे हैं और कर्नाटक में भी दो लोग लड़ेंगे, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी हर कोई चाहता था कि हैदराबाद में जो भी बैठे वो हमारा समर्थन प्राप्त व्यक्ति हो, या कर्नाटक में जो भी बैठे उसे हमारा समर्थन प्राप्त हो। और इसी समर्थन के लिए यहां पर एक तरफ फ्रांसीसी उतर जाएंगे और एक तरफ अंग्रेज समर्थन करना चालू कर देंगे। तो यहां पर चीजों को जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ठीक, तो यहां पर इस युद्ध में होता क्या है? एक तरफ हैदराबाद में, हैदराबाद में उत्तराधिकार की लड़ाई होगी और एक तरफ कर्नाटक में लड़ाई होगी, कर्नाटक में। ठीक, एक तरफ अंग्रेजों का समर्थन रहेगा और एक तरफ फ्रांसीसियों का समर्थन मिलेगा, फ्रांसीसियों का। ध्यान समझिए, अंग्रेज के नीचे जो समर्थन प्राप्त रहेंगे उनका नाम लिखूंगा, फ्रांसीसी जिसको सपोर्ट करेंगे उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला एक नाम जो आपको याद रखना है वह है अंग्रेजों की तरफ से नासिर जंग, नासिर जंग। ठीक, नासिर जंग। वैसे ही कर्नाटक में अनवरुद्दीन को समर्थन कर रहे थे अंग्रेज, अनवरुद्दीन को समर्थन कर रहे थे। इसके अलावा इनके विपक्ष में यानी फ्रांसीसियों की तरफ नासिर जंग की लड़ाई चल रही थी और यह लड़ाई थी मुजफ्फर जंग से, मुजफ्फर जंग से यह लड़ाई चली। इसके अलावा यहां पर अनवरुद्दीन की लड़ाई चंदा साहिब से हुई, चंदा साहिब से हुई। क्लियर है यहां तक चीजें? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग की लड़ाई होगी, अनवरुद्दीन और चंदा साहिब की लड़ाई होगी, जिसमें अंग्रेज जो है नासिर जंग और अनवरुद्दीन का इनकी सहायता करेंगे और फ्रांसीसी जो है मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब की सहायता करेंगे। इतनी चीजों को बिल्कुल ध्यान से आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए एक बार, उसके बाद मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखिए। अब इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हम अगर देखें, युद्ध के परिणाम स्वरूप कुछ समय पश्चात नासिर जंग मारा जाता है,
और अनवरुद्दीन भी इस युद्ध में मारा जाता है, अनवरुद्दीन भी। ठीक, इस युद्ध में सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में दो चीजें और याद रखनी है आपको। यहां पर एक युद्ध होगा, उसे कहेंगे अम्बूर का युद्ध, अम्बूर का युद्ध कर्नाटक में, और एक और याद रखना है आपको अर्काट का घेरा, अर्काट का घेरा। दो चीजें आपको विशेष रूप से याद रखनी है, अर्काट का घेरा और अम्बूर का युद्ध। ठीक, ये दो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखें। ठीक, अब इस युद्ध के परिणाम में यह हुआ कि जो लड़ाई चल रही थी उसका अंत एक संधि के साथ हुआ जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होगा, और उस संधि को हम कहते हैं पौंडीचेरी की संधि। ठीक, उस संधि को हम कहेंगे क्या, पौंडीचेरी की संधि, पौंडीचेरी की संधि, पौंडीचेरी की संधि। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, तो यहां पर दो युद्ध हुए, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर, सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, और सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जिस संधि के साथ समाप्त हो रहा है उसे हम कहते हैं पौंडीचेरी की संधि, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक, अब थोड़ी सी चीजों को थोड़ा ध्यान देना, यहां पर मैं युद्ध को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि यहां से एक बार प्रश्न बना था। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक, देखिए ध्यान से हुआ क्या था उस चीज को आप समझिए। ठीक, देखिए ये हो गया आपका हैदराबाद का क्षेत्र, हैदराबाद इस तरफ, जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय कर्नाटक हुआ करता था, तो ये क्या है आपका कर्नाटक का क्षेत्र। ठीक, यहां पर आपको मिलेगा त्रिचलापल्ली, त्रिचलापल्ली या त्रिची। ठीक, अब देखिए होता क्या है, अभी ये मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर है ना, एक्चुअल में हुआ क्या उसे ध्यान से देखना। ठीक है, मेन मेन चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए वो मैंने आपको बताया, अब जो हुआ क्या था क्योंकि एग्जाम में यहां पर थोड़ा सा प्रश्न जो है डीप चला गया था और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पर किया गया था। ठीक, उसको देखिए ध्यान से। अब हैदराबाद में जो है यहां पर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक है नासिर जंग और एक है मुजफ्फर जंग। ठीक, एक है मुजफ्फर जंग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ध्यान समझिए, नासिर और मुजफ्फर जंग, इनको ब्रिटिशर्स का साथ है और इनको फ्रांसीसियों का साथ है। ठीक, इस जगह पर कर्नाटक में, कर्नाटक में भी दो लोगों जो हैं लड़ाई कर रहे हैं, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, ध्यान से समझते जाइए भी, है ना, ध्यान से आपको समझना है, फिर से मैं बता रहा हूं ध्यान समझिए। दो लोगों की यहां लड़ाई हो रही है, एक है अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन और एक है चंदा साहिब, चंदा साहिब। ठीक, चंदा साहिब। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि एक युद्ध हुआ था अम्बूर का युद्ध, यहां पर लिखा था मैंने एक अम्बूर का युद्ध हुआ था, ये अम्बूर का युद्ध, अब उसको समझिए अम्बूर का युद्ध कौन कौन लड़ा, ये प्रश्न आपको पूछेगा, अम्बूर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ देखना। यहां पर जब अनवरुद्दीन और चंदा साहिब की लड़ाई हो रही थी तो चंदा साहिब ने उस समय फ्रांसीसियों की मदद ली, साथ ही साथ इसकी मदद करने मुजफ्फर जंग भी आया था, मुजफ्फर जंग भी आया था, और मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी तीनों मिलकर अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिए और यही युद्ध था
अंबुर का युद्ध, यही युद्ध था अंबुर का युद्ध। और इसी अंबुर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया था, इसी अंबुर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया था। ठीक, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात यहां पर इसका बेटा अगला राजा घोषित किया गया, जिसका नाम था मोहम्मद अली, जिसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जैसे ही कर्नाटक का नवाब बना, कर्नाटक की सत्ता में जैसे ही मोहम्मद अली को बैठाया गया, तो यहां पर चंदा साहेब जो है, चंदा साहेब ने आक्रमण कर दिया, और चंदा साहेब ने जब आक्रमण किया तो मोहम्मद अली को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। और मोहम्मद अली जब अपना राज्य छोड़कर भागा तो गया कहां, त्रिचरापल्ली में। और उसी बीच चंदा साहिब कहां बैठ गए, कर्नाटक के नवाब बनने के पश्चात यहां अंग्रेजों को जैसी जानकारी हुई तो अंग्रेजों ने उस समय चंदा साहिब को नवाब के पद से हटाने के लिए कर्नाटक पर आक्रमण किया। और इसी आक्रमण के समय एक घेरा डाला गया था, जिसे बोलते हैं अर्काट का घेरा। ध्यान रखिएगा, अर्काट का घेरा। क्योंकि उस समय कर्नाटक की राजधानी क्या थी, अर्काट। और इस अर्काट में घेरा डाला किसने, अंग्रेजों ने घेर दिया। क्योंकि उनका यह था कि यहां पर चंदा साहिब को दबाव बनाया जाए और चंदा साहिब को नवाब के पद से हटाया जाए, तो अर्काट का घेरा अंग्रेजों ने डाला और चंदा साहिब को बाहर किया। और चंदा साहिब को बाहर करने के पश्चात मोहम्मद अली को, जो त्रिचरापल्ली में भाग गया था, उसे फिर से नवाब बनाया गया। ठीक है, क्लियर है। और इस तरफ मुजफ्फर जंग और नासिर जंग की लड़ाई में नासिर जंग मारा गया था। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, क्वेश्चन डीप में जाएगा, यह तय है और जा चुका है। यहां पर ये जो इतना समझाने का मतलब यह था कि यहां पर क्वेश्चन डीप में गया था और इस प्रकार से प्रश्न बने थे। ध्यान से समझिए, एक दो बार थोड़ा सा रिवीजन करके देखिए, दिमाग में चीजें बैठेंगी। अब देखो, यहां पर क्या हुआ, दो बैटल हुए, फर्स्ट एंग्लो और सेकंड एंग्लो। फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर में एक बैटल देखने मिली थी, उसको बोलते हैं सेंट टोमे का युद्ध। ये आपको पूछता है सेंट टोमे का युद्ध कब हुआ था, तो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर के समय और सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर के समय अंबुर का युद्ध और दूसरा अर्काट का घेरा, ये दो घटनाएं हुई थी। बट क्या है, ये कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसको आपको समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। या तो सरलतम रूप में आप इन चीजों को याद रखिए, यह सरल रूप है कि अंग्रेजों का समर्थन नासिर जंग अनवरुद्दीन को और फ्रांसिसियों का समर्थन मुजफ्फर और चंदा साहिब को। ठीक है, इसके अलावा जो प्रश्न बनता है वह यह बनता है कि संधि कौन सी थी, पांडिचेरी की संधि थी। ठीक है, चलिए अब अंतिम और लास्ट युद्ध, जिसे हम कहेंगे क्या, तृतीय एंग्लो कर्नाटिक वॉर, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध होगा 1756 से लेकर 1763 तक। अब देखो यहां पर क्या होता है, थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर के समय स्थिति बदल गई, और यह स्थिति जो बदली, इसी के कारण अब फ्रांसीसी सत्ता जो है, या फ्रांसीसी शक्ति जो पावर है, यह समाप्त होने वाली है। और जो गलती हुई फ्रांसीसियों की, वो भी आपको देखनी पड़ेगी, क्या गलती किया है, फ्रांसीसी क्यों हार गए, अभी तक इतने मजबूत फ्रांसीसी कैसे हारने वाले हैं, उसको देखेंगे। तो होता यह है कि फ्रांस की सरकार के द्वारा डुप्ले
डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और काउंट दिलाली को यहां भेजा जाता है भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर। और काउंट दिलाली कहां आता है? भारत में आता है। समझिए चीजों को। डुप्ले चला गया वापस, काउंट दिलाली को भेज दिया गया। यहां आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, तो इसमें क्या हुआ, क्या दिक्कत है? आप देखिए कि भारत के क्लाइमेट से, भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन से, भारत के पॉलिटिकल राजनीतिक परिदृश्य से जो अवगत इंसान है वह है डुप्ले। और वो जानता है कि अंग्रेजों के रग में क्या बसा है, रग रग को जानता है, मतलब ठीक है, बारीकी समझता है डुप्ले। और अचानक से डुप्ले को वापस बुला लिया गया, तो यहां पर जो नया काउंट डी लाली आ रहा है, क्या उसे समझ में आएगा कि अंग्रेज यहां पर किस प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं? समझ में आएगा? नहीं आएगा। और यही सबसे बड़ी गलती है फ्रांसीसियों की। ठीक, आगे चलकर कभी मेंस की परीक्षा देंगे तो यही सब आपके क्वेश्चन बनते हैं कि फ्रांसीसियों के पतन के कारण क्या थे, डिक्लाइन ऑफ फ्रांसिस, ये फ्रांसीसी क्यों हार गए। एक पॉइंट और याद रखिएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं भाई आप प्रीलिम्स तो निकाले ही निकाले, मेंस भी जरूर लिखेंगे आगे चलकर, हमें भरोसा है। ठीक है, हमारे बच्चों पर हमें भरोसा है जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक, एक और गलती फ्रांसीसी गवर्नमेंट की गलती क्या है, देखो जो अंग्रेजों की जो कंपनी बनकर आई थी उस पर विचार कीजिए, उसको ध्यान दीजिए। वो एक प्राइवेट कंपनी है, अंग्रेजों की कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और फ्रांसीसियों की कंपनी क्या है, एक सरकारी कंपनी। कंपेयर करना हो तो आप बीएसएन को पकड़िए और जियो को देखिए, जियो को। बीएसएनएल जो है एक सरकारी कंपनी है और उसे कोई भी कार्य करना होता है, कोई भी नया कार्य करना होता है तो उसे अनुमति गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, सरकार से एक अनुमति लेनी पड़ती है कि भाई हमको श्रीलंका में बिजनेस करने जाना है, हमको अफ्रीका में बिजनेस करना जाना है या अमेरिका में बिजनेस करने जाना है, ऐसी एक अनुमति लेनी पड़ती बार 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 बार, यानी खुद से वह डिसीजन नहीं ले पाता। बट जियो को देखिए, यहां पर प्राइवेट कंपनी है, खुद से स्वयं से अपने खुद के उसके अधिकार है और वह उस अधिकार का उपयोग करके बाहर अन्य देशों में भी, भारत में तो दबदबा बनाकर रखा है परंतु अन्य देशों में भी इसने दबदबा बनाया। तो ये प्राइवेट कंपनी के पास कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पावर होते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, यही एक्स्ट्रा बेनिफिट अंग्रेजों के पास था और फ्रांसीसियों के पास यही नहीं था कि भाई डुप्ले को कब रखना है, कब भेजना है, ये चीज समझ ही नहीं पा रहे और डुप्ले को अचानक से बुला लिया गया, यही उनकी गलती थी। और यहां पर वही फ्रांसीसी अब काउंट दिलाली को भेज रहे हैं और काउंट दिलाली जब थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर यूरोप में होता है, यूरोप में एक्चुअल में 7 ईयर वॉर हो रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था, उसी सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम भारत में देखने मिलता है। और भारत में परिणाम ऐसा होता है कि यहां पर पूरे के पूरे फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक, चलिए, तो यहां पर एक कारण था, वह था 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध हमें देखने मिला। साथ ही साथ इसी बीच एक लड़ाई होगी जिसे हम कहेंगे बैटल ऑफ वांडीवॉस वांडीवॉस का युद्ध इसी युद्ध के बीच में होगा। क्या? वांडीवॉस का युद्ध। और यह होगा वर्ष 1760 में बैटल ऑफ वांडीवॉस का युद्ध। और इस युद्ध में, वांडीवॉस के युद्ध में एक तरफ होंगे काउंट डी लाली और अंग्रेजों की तरफ से होंगे सर आयरकूट होंगे। ठीक, अब ये आयरकूट इतना कूटेगा काउंट दिलाली को कि अब जो फ्रांसीसी जो हैं सर उठाकर अंग्रेजों के सामने देख ही नहीं पाएंगे। और इसी के बाद बैटल ऑफ वांडीवॉस के बाद
पूरी फ्रांसीसी शक्ति समाप्त, फ्रांस खत्म, इंडिया में कोई वर्चस्व नहीं, खत्म इनका काम। अब एकमात्र शक्ति बची है भारत में और एक ही व्यापारिक कंपनी अब रहेगी, वो रहेगा कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसी वॉन्डिवॉस के बाद पूरा वॉश आउट हो गया, साफ हो गया पूरे फ्रांसीसी, खत्म, कुछ नहीं बचा। ठीक, अंत में सेवन ईयर वॉर के पश्चात एक लास्ट एक संधि होगी, उसे हम कहेंगे ट्रीटी ऑफ पेरिस। एक लास्ट संधि के साथ यह समाप्त होगा, जिसे हम कहेंगे ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस, क्लियर है? पेरिस की संधि के साथ तीसरा भी एंग्लो कर्नाटक वॉर भी समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक मुझे नहीं लगता कोई बात आपको समझ में ना आई हो। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा प्रयास है कि टॉप एमसीक्यू सीरीज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आपको संपूर्ण सिलेबस कराया जाए, ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके। ठीक है, आपकी पढ़ाई चलती रहे और बहुत अच्छे लेवल पर चलती रहे। ठीक, बहुत सारे छात्र जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, ठीक है, जिन्हें बहुत कम समय मिलता है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो दो घंटा एक घंटा का जो समय देते हैं, बिल्कुल ध्यान से इन चीजों को देखिए, और एक बार आपके पास जो भी पुस्तक हो, ठीक है, उसे एक बार रीड कर लीजिए, एक बार बस। इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट डिलीवर हुआ है वो आप पुस्तक में देखेंगे, तो आपको पूरी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखूंगा और मैं चाहूंगा कि इसका सॉल्यूशन आप दें, क्योंकि कॉन्सेप्ट डेवलप हमने किया, जवाब आप दें, ये मेरा प्रयास है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में सब, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सब। अभी हमने पढ़ा कर्नाटिक वॉर के बारे में, उसी से संबंधित ये प्रश्न है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इसका जवाब नहीं दे पाएगा। सभी को जवाब देना है, ध्यान से देंगे क्वेश्चन का जवाब। अगर नहीं दिख रहा है तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए और आंसर बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। जवाब क्या होगा बताएंगे। ठीक, चलिए बताइए क्या क्या होगा। यहां देखिए, पहले वाले के लिए मैंने बताया था कि पहला जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर होगा वह होगा एक्सला सेप्ला की संधि के साथ, एक्सला सेप्ला की संधि के साथ। इसके अलावा जो तीसरा कर्नाटिक वॉर है उसके लिए मैंने बताया पेरिस की संधि। ठीक, देखते जाइए, मैच करते जाइए, साथ ही साथ आपको मैच करना है। इसके अलावा द्वितीय कर्नाटिक वॉर है वह अनिर्णायक रहा, कोई निर्णय नहीं निकल पाया ना। मैंने आपको बताया था कि वहां पे अर्काट का घेरा, अंबूर का युद्ध, मुजफ्फर अली, मोहम्मद अली, नासिर जंग, ये सब जो लड़ाई कर रहे थे, तो प्रॉपर निर्णय नहीं हो पाया। इसलिए मैं वहां पर, आप बोल रहे होंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर जीता कौन, आप तो बताते ही नहीं। अरे भाई, कोई प्रॉपर जीत ही नहीं पा रहा था, वहां संधि हो जाती थी, है ना, संधि बात होने के बाद युद्ध समाप्त होता था। और लास्ट आपका बचा प्रथम मैसूर युद्ध, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटेन की हार होगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। ठीक, यूरोपीय व्यक्ति की बात किया है और भारतीय राजाओं के झगड़ों में पार्टिसिपेट किसने किया, इसके बारे में आपको पूछा है, क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क या वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक, बताइए। तो यहां पर डुप्ले जो है ना, डुप्ले, इसे इंडियंस, देसी रियासत जो है, प्रिंसली स्टेट, उनके मामलों में इंटरफेयर करने की आदत थी, ताकि ये अपना खुद का साम्राज्य बना सके और व्यापार कर सके, ये कोशिश उनकी रही है। ठीक, अगला देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, मैंने बताया था एक राजा का नाम, राजा का नाम मैंने ऐसे लिखा था, याद कीजिए। ठीक है, ये बताइए क्या है रोमन नंबर में, लुई
14, लुई 14, तो क्या होगा आंसर, लुई 14 होगा। ठीक, एक क्वेश्चन का और आंसर दे दीजिए। ठीक, इसके बाद की चीजों को आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके पास होमवर्क के लिए रहेंगे, पहले इनका आंसर दे दीजिए। ठीक है, ये पहले ही स्लाइड में मैंने बात बताया था आपको, सबसे पहले व्यापार करने वाले कौन थे उसे क्रम में जमाइए, तो बता दीजिए। इसका जवाब मुझे नहीं लगता कोई भी छात्र नहीं दे पाएगा। अगर आपने वीडियो शुरू से देखा है तो ये इस क्वेश्चन का जवाब जो है बिल्कुल आसानी से आप दे सकते हैं। एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई अगर पॉइंट अगर छूट जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोपीय वासियों को सोरा और अफीम प्राप्त होता है, सोरा। ठीक, कमेंट सेक्शन में आप बताइए ये सोरा का यूज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है सोरा का, सोरा का यूज क्या होता था। ठीक है, सोरा का यूज किस लिए किया जाता था और ये सोरा और अफीम मिलता कहां था यूरोपियों को। ठीक, तो ये सोरा और अफीम जो है यूरोपियों को बिहार से मिला करता था, बिहार, और उस समय बिहार तो हुआ नहीं करता था, बंगाल का क्षेत्र होता था, बंगाल बिहार उड़ीसा सब एक ही होता था। ठीक है, तो बिहार के क्षेत्र से इन्हें ये मिलता था। ठीक, चलिए, डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे बनाए। व्यापारिक अड्डे का मतलब क्या बोल रहा है ये, व्यापारिक अड्डे का मतलब फैक्ट्री की बात कर रहा है, व्यापारिक कोठी की। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहां बनाई, व्यापारिक कोठी कहां बनाई, इसके बारे में बताइए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी बहुत सारे जगह बनाई थी, यानी उपयुक्त तो सभी, नागापट्टनम में, चिंसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी जो जगह है यहां पर आपको डचों की व्यापारिक कोठी देखने को मिलेगी। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे होंगे सर इस साल ना जो मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन आया था, डचों वाला क्वेश्चन, जो कि डचों के व्यापारिक कोठी से संबंधित ईयर जोड़ने वाला क्वेश्चन जो आया था, वर्ष संबंधित वाला, वो बहुत कठिन था। हाँ, मैं भी मानता हूं, इतने समय से मेरा भी पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसे प्रश्न बच्चों को थोड़े परेशान करते हैं, परंतु फिर भी आप अपनी तैयारी जहां तक हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कीजिए, साथ ही साथ हम जो तैयारी करा रहे हैं वहां से भी कीजिए। इसके अलावा अन्य जगह, अन्य स्टेट में, अन्य राज्यों में जो पीएससी की परीक्षाएं होती है, उन प्रश्नों को भी अगर आप हल करते हैं तो वहां से भी आपको एक आइडिया मिलता है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। बाकी तो हम बता रहे हैं कि प्रश्न इस प्रकार के बनते हैं और इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी का स्तर बढ़ाइए। आप ये मत बोलिए, कई छात्रों को मैं देखता हूं कि पीएससी की परीक्षा होती है और बाहर निकलते हैं तो यही कहते रहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बहुत टफ क्वेश्चन कर दिए गए, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना था, है ना। बट आप अपने स्टेट से थोड़ा बाहर निकल के देखिए, अन्य स्टेट में या कहीं, जैसे बिहार में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, राजस्थान पीएससी के पेपर को देख लीजिए, जो अन्य पीएससी के पेपर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्नों का स्तर कम नहीं किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और पूछने का तरीका भी डिफरेंट होते जा रहा है, पूछने के तरीके भी डिफरेंट होते जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे कुछ ऐसे प्रश्न हम रखते हैं जिसमें सत्य नहीं है, असत्य है, असत्य नहीं है, ऐसे टाइप के जो कंफ्यूजिंग वर्ड है उसके यूज करके आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, तो आपको भी उसी स्तर के लिए तैयार होना है और हार नहीं माननी है अंत तक। ठीक है, इसके अलावा बिल्कुल भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता कभी एग्जाम में, तो आपको एक स्मार्ट वर्क रखना है। स्मार्ट वर्क का मतलब कि भाई आपके पास 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो 100 के 100 आपको नहीं बनाने होते, जबरन का ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको कोशिश यही करनी है कि आप जितने मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चन बना सके उसे बनाए, और एरर या गलती की संभावना मुश्किल से 10% की होनी चाहिए, 10%। ज्यादा अगर गलती की संभावना रखते हैं तो आप ये मान लीजिए आप एग्जाम का जो कट ऑफ डिसाइड होगा उससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क भी दिखाना है और अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, ऐसी आपको तैयारी भी रखनी है। ठीक, पुस्तकों के बारे में बहुत सारे छात्र पूछते हैं, तो मॉडर्न इंडिया के लिए जो पुस्तक है उसे आप देख सकते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम है उसे आप देख सकते हैं, उसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है,
मॉडर्न इंडिया के लिए बेस्ट बुक है, वो एक सोर्स के रूप में आप पढ़ सकते हैं। ठीक, समय कम है तो उस समय कम का समय कम है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़िए और यहीं से आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ठीक, वरना उतनी मोटी पुस्तक भी पढ़ने में आपको समय लग जाएगा। क्लियर है? चलिए एक लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ये आपके लिए होमवर्क भी है और हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके बाद हम क्या है सेशन को खत्म करेंगे। ठीक, आज का जो हमारा सेशन था उसमें हमने जाना एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियों के आगमन के बारे में, यूरोपियों के आगमन में हमने पुर्तगालियों के बारे में भी जाना, डच के बारे में जाना, अंग्रेजों के बारे में जाना, फ्रांसीसियों के बारे में भी जाना। इसमें जो अब एक शक्ति बची है ब्रिटिश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम जानेंगे अगले क्लास में कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा, कैसे ये यहां के प्रिंसली स्टेट देसी रियासत जो है, बंगाल है, मराठा है और इसके अलावा मैसूर के क्षेत्र को ये जीतेंगे, यही हमारा अगला टॉपिक होगा और उसे ही हम जानेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, तो आप लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करें। ठीक, और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को बताएं और हमारे टॉप एमसीक्यू सीरीज में उन्हें जोड़ें। ठीक, इसके अलावा किसी प्रकार की अगर आपको डाउट होता है तो आप शनिवार के शनिवार लाइव जो सेशन होता है उस लाइव सेशन में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा ये प्रयास रहेगा कि आप जो ये 5 दिनों में जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उन प्रश्नों को मैं लाइव एमसीक्यू सीरीज में, लाइव जो आपका सेशन रहेगा वहां पर आपको बताऊंगी। ठीक है, सॉल्यूशन वहीं दे दूं ताकि यहां पर आपको ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन पूछे और आपके जवाब ना दिए जाए। तो आप पहले भी कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन्हीं के जवाब लाइव एमसीक्यू में मैं दे दूंगा। ठीक, तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं, मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए क्लास में। धन्यवाद।